आपकी दोस्त नेहा और आज मैं आपको दिखाऊंगी मार्केट जैसा रुआब्जा। रुआब्जा शरबत हर किसी को बहुत पसंद है, स्पेशली लस्सी में डालकर या फिर ठंडा ठंडा रुआब्जा पीना हो या फिर रुआब्जा का गोला खाना हो या फिर रुआब्जा की चुस्की लेनी हो तो आपको पता ही है कि रुआब्जा बच्चों का कितना फेवरेट होता है। और आज हम इसको बनाएंगे बिल्कुल प्योर तरीके से घर पर। एंड चलिए फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। घर पर रुआब्जा बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ गुलाब के फूलों की पत्तियां, आप चाहें तो पत्तियां ले लीजिए, पत्तियां काफी सस्ती मिल जाती हैं, या फिर आप माला ले सकते हैं किसी मंदिर के बाहर जो आपको मिल जाएगी 15-20 रुपए में। इसकी सारी इस तरह के बीज और डंठल को अलग कर दीजिए या खराब पत्तियां उन्हें अलग निकाल दीजिए। उसके बाद पत्तियों को 3 या 4 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब ये मेरे पास चुकंदर जो इसको बहुत अच्छा कलर देने वाली है, इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसमें ये इजीली डिप हो जाए। ये लगभग 1 छोटा कटोरी पानी है और इसकी जो खुशबू है वो इसी में रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से बनाना। चुकंदर से वैसे तो बहुत ही बढ़िया रेड कलर आ जाता है, लेकिन यदि आपको और भी अच्छा डार्क रेड कलर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा रेड कलर का फूड कलर की शीशी आपको किसी भी पंसारी पर 10 रुपए की इजीली मिल जाएगी, जिसमें आपको छोटी वाली जो चम्मच टीस्पून आती है वो आपको डालनी है इसमें, बिल्कुल चौथाई चम्मच छोटी सी टीस्पून। एंड अब मैं सारी पत्तियों को चुकंदर को गर्म होने के लिए रख रही हूँ जिससे जो कलर है इनका वो पानी में आ जाएगा प्रॉपर। एंड आप पूछेंगे फूड कलर हमें कब ऐड करना है, फूड कलर आपको ऐड करना है जब ये पूरा रुआब्जा बनकर तैयार होने वाला होगा, आपको बस गैस ऑफ करनी है तब आपको फूड कलर थोड़ा सा पानी में घुलकर ऐड कर देना है यदि आप चाहते हैं तो। अदरवाइज आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो इसी तरह चुकंदर डालकर आप बना सकते हैं। अभी हम इसको स्लो फ्लेम पर रख रहे हैं। दूसरी तरफ हम डालेंगे 3 कटोरी चीनी, छोटी वाली 3 कटोरी चीनी ली है मैंने यहाँ पर। आप जितनी चीनी लेंगे उससे आधा पानी लेंगे, यानी 3 कटोरी चीनी है तो हम बस 1.5 कप पानी डालेंगे यहाँ पर। और इसको हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है। जब भी आप शरबत बना रहे हैं किसी चीज़ का तो हमेशा ध्यान रखिए चाशनी बिल्कुल ना बनाए, आपको एकदम स्लो फ्लेम पर बस चीनी को हल्का सा मेल्ट होने देना है। चीनी जैसे ही इसमें मेल्ट हो जाए, और ये देखिए दूसरी तरफ पत्तियां अपना प्रॉपर कलर छोड़ चुकी हैं, चुकंदर भी काफी अच्छा कलर दे चुकी है इसको, चीनी भी घुलने लगी है। और यदि आपको लग रहा है कि अभी पत्तियों को और गर्म करना है तो आप चीनी वाली गैस को बंद कर दीजिए जिससे चीनी वाली गैस में कोई चाशनी या तार ना आए। एंड आपकी जब पत्तियां एकदम प्रॉपर कलर छोड़ दें, इसमें लगभग आपको 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 बॉईल लेने हैं आपको सिर्फ। फिर आपको एक स्ट्रेनर लेना है, उसकी हेल्प से हमने भी जो चीनी वाला पानी बनाया उसमें इसको हम स्ट्रेन करके मिक्स कर देंगे। और अब इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ गई है तो हमें चाशनी बनने का ऐसा कोई खतरा नहीं है या फिर डर नहीं है, तो अब हम इसको थोड़ी देर बॉईल करेंगे लगभग 4-5 मिनट के लिए। और मैं यहाँ पर भी गुलाब की पत्तियों का जो जूस है उसे अच्छे से, जिससे इसकी जो खुशबू है अर्क है वो प्रॉपर हमारे रुआब्जे तक पहुँचे। एंड जब भी आप रुआब्जा यूज़ करें तो उसमें बहुत ही बढ़िया सा एक फ्लेवर भी आए और बहुत अच्छी खुशबू भी आए, इसलिए मैं बहुत अच्छे से इसमें सारी पत्तियों का रस निचोड़ रही हूँ। और अब हल्का सा मिक्स करते हुए हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है लगभग मीडियम फ्लेम पर, इसको हम चलाते रहेंगे अभी। अब ये थोड़ा थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये थिक हो रहा है, जो होना ज़रूरी भी है क्योंकि जो रुआब्जा होता है वो आपने देखा होगा वो थोड़ा थिक ही होता है, एकदम पतला नहीं होता है, तो हम इसको थोड़ा सा थिक होने देंगे। और हाथ पर लगा कर देखेंगे कि कोई चाशनी तो नहीं आ रही है, बट ये हल्का हल्का चिपचिप जरूर करेगा हाथ पर। देखिए कोई भी तार इसमें आपको फील नहीं होगा जब आप उंगलियों से इसको टच करेंगे, तो
ये देखिए तार बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन चिपचिप आपको फील होगी। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। यदि आपको फूड कलर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच पानी में डालकर इसको। अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पर रोज़ एसेंस की लगभग 3 से 4 बूंदें। ये हमने बिल्कुल फ्लेम को ऑफ कर दिया, उसके बाद मैंने इसमें एसेंस डाला जिससे इसकी खुशबू इसमें बरकरार रहे। और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। जब ये प्रॉपर ठंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे ये इसकी थिकनेस कितनी अच्छी हो गई है, बिल्कुल रुआबजा वाली थिकनेस आ गई है इसमें। एंड हम इसको एक कांच के जार में या फिर कोई बोतल में आप भरकर इसको रख लीजिए। और जब भी आपको रुआबजा का शरबत पीना है या फिर चुस्की खानी है या फिर लस्सी में यूज़ करना है, आप थोड़ा सा रुआबजा मिक्स कीजिए और आपका बढ़िया बढ़िया शरबत रेडी हो जाएगा।